सबकी निगाहें बैट पर हैं। इसकी शुरुआत 1.7 के आउट से हुई। हम लोग देख रहे हैं ये कैसे बढ़ता है, खतरनाक मोड़ लेता है और ओ, अपने 3.8 के शिखर पर पहुंच जाता है। ओ, क्या चुनौती है, वो शूट करता है, ये स्कोर करता है और ये रहा विजेता। आपकी बैट, आपकी जीत। साला सचिन तेंदुलकर के पिल्लो इंडियन डॉग छक्का मारेगा, वो मारा इन सालों को। चुए भट्टा दली गढ़वा मंडा यू इंडियन डॉग बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद इस्तांबुल जिंदाबाद बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद दली गढ़वा बहुत फिर भी बाहर निकलना जरूरी था। इसे बहुत बुखार है, शिवानी बटस तफा कसम के शेर है सेत्रावन यति, और इस पटनी का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करूंगा।
कुछ हुआ? कृष्णा कृष्णा जुहा बंदयो कन के दूरो बुर बुर जी क्यों नहीं आया अभी तक? शिवा को साथ लाने वाले थे ना? जुलूस में फंस गए होंगे। खबर कार मोकलनी मन लोगों ने निम जुलूस। अब्दुल का पता करो, वो साथ नहीं गए थे। भाईजान, हाँ, अब्दुल आया क्या? वो और शिवा साथ गए थे ना क्रिकेट खेलने? नहीं, मुझे तो लगा तुम्हारे बोबजी के साथ आएंगे। मैंने फोन तो किया है। ये सब क्या हो रहा है भाईजान? सच कहूं तो माहौल बहुत खराब चल रहा है। मेरी माने तो आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं। बाहर चले जाएं? अपना घर छोड़ के कहां जाएंगे? की फिक्र आप ना करें, घर का ख्याल हम रख लेंगे। जब आप वापस आएंगे, एक दो दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल आए तो बताना। रिहर्सल रोकनी पड़ेगी, बाहर का माहौल खराब नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि तो मार्च में आएगी। ऐसे बहुत सारे जुलूस देखे हैं मैंने, ऐसे करने क्यों नहीं डिस्टर्ब, युता दिमाग शुद्धि मनते। हेलो, कौन? पुष्करना जी? सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। शिवा, बोबजी, कहाँ थे आप बोबजी? मैं कितना डरा था। खूने शहीदा रंग लाया, खूने शहीदा साथ साथ आइए।
कॉमन रूम में। चुप जाओ, कायरों की तरह सुनो। इंडियन डॉग तेरा स्टूडेंट नहीं है, एरिया कमांडर फारूक जनाब बोल। फारूक जनाब, एरिया कमांडर फारूक जनाब बोल बट्टे। ठीक छे, सब कुछ छोड़ दूंगा।
उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर तीन पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबैट्स.कॉम से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। अगर तुम ये तोमुल खाओगी तो आ जाएगा, कभी कभी सामान आने में टाइम लगता है ना। दिल्ली से फ्लाइट में चला ना? हाँ चला था, मुझे मैसेज किया था उसने। वो लोग क्यों नहीं आए? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। जम्मू से कितना वक्त लगता है? वो भी आ जाएंगे, बाय रोड आ रहे ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता। पुलिस वाले कहाँ से बदलते हैं ये डॉक्टर साहब बताए। हेलो लक्ष्मी। हेलो डॉक्टर महेश। यू लुक फाइन। थैंक यू। वो आ गया? फ्लाइट लैंड हो गई है, ड्राइवर एयरपोर्ट पे। ब्रह्मा कहाँ है? हेलो गाइस,
हम सब मिलकर एक रूल बना लेते हैं, उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे और ना ही पॉलिटिक्स की, ना ही कश्मीर की। पॉलिटिक्स समझ में आती है, कश्मीर क्यों नहीं? क्या फर्क है दोनों में? मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो, एक्सोडस नहीं। ये देखो कौन आए, देखो कौन आए, कृष्णा। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हमारे लिए नहीं, उस घर के लिए। कल सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना होगा, वरना 7 बजे के बाद हब्बा कदर में कर्फ्यू लग जाता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वहीं से वापस लौट जाएंगे। चलो, तुम तो रुकोगे ना कुछ दिन? जी नहीं, एक्चुअली कल मुझे कुछ लोगों से मिलना है, फिर परसों की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? एक्चुअली दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट काम है परसों। कुछ दिन रह लेते, कश्मीर देख लेते। मेबी नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। पहली बार आया कश्मीर? ये फायदा हो पता, उसे थोड़े ही याद होगा, बहुत छोटा था। मुझे तो अपने बचपन का से लगभग बहुत कुछ याद है। ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं। ये तो पुष्कर ने कुछ तो बताया होगा तुम्हें, तो मतलब क्या क्या हुआ। We decided no politics. अरे इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? मैं तुझे इतना पूछ रहा हूँ कि तुम कितना जानते हो कश्मीर के बारे में, बस। कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. इनफैक्ट जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, तो सिर्फ एक शर्त थी कि जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होंगे, एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, यानी पीपल्स वोट। हुआ वहां प्लेबिसाइट? फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना फ्लैग रखने का हक है, तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है, तो कश्मीर क्यों नहीं? अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है, तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? बुरहान वानी जिंदाबाद, 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 बुरहान वानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, इसलिए आप चाहे न्यूज़वीक उठा लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है, उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कॉर्डन एंड सर्च के नाम पर इंडियन आर्मी ठंड की रात में पूरे गांव को सड़क पर खड़ा कर देती है, बच्चे बूढ़े प्रेग्नेंट औरतें सब। अबू सालेम और कसाब जैसे आतंकवादियों को सालों पालते हैं ये, और अफजल गुरु को उसकी फैमिली तक से मिलने नहीं दिया गया। अफजल अब शर्मिंदा है, ये बाकी जिंदा है। अफजल अब शर्मिंदा है, ये बाकी जिंदा है। कश्मीर में बच्चे बिना अपनी बाप की शक्ल देखे ही बड़े हो गए, इस इंतजार में कि एक दिन उनके अब्बू लौट कर आएंगे। और जब वो बच्चा सवाल करता है, तो उसे आतंकवादी कहा जाता है?
अब वो बच्चा पत्थर नहीं फेंकेगा तो क्या फूल बरसाएगा? और जब इस फैशिज्म के खिलाफ कुछ बोलो तो यहाँ के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट आपको सोशल मीडिया पर गालियां देंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, गो टू पाकिस्तान बोलेंगे। बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। इन फैक्ट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एग्जैक्टली लाइक दिस कंट्री। हमारी टीम ने एक रिसर्च किया है इन पांच जगहों पे, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, पुंछ और राजौरी में, और यहां पे हमें 7,000 से भी ज्यादा मास ग्रेव्स मिले। प्रोफेसर मैनन, यू कैन कॉल मी राधिका। व्हाट अबाउट बटमजार? व्हाट इज बटमजार? जहां 1,00,000 कश्मीरी हिंदुओं को डल लेक में डुबो के मार डाला गया। इतने लोग मरे कि सिर्फ उनके जनेऊ से ही 7 बड़े टीले बन गए थे। जिस जगह उनको जलाया गया उस जगह को बट मजार कहते हैं। मैम, यू नो एक्चुअली यू विल मेक अ वेरी गुड पॉलिटिशियन समडे। तो ये जो 7,000 कब्रें हैं, ये किसकी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि कश्मीर के लिए अगर आज का स्टूडेंट नहीं उठा तो एक दिन कश्मीर भी इन्हीं कब्रों की तरह गुमनामी में खो जाएगा। तो कश्मीर को इस अंधकार से रोशनी दिखा के रहेंगे हम। आजादी हम क्या चाहते हैं? अरे मिल के बोलो, अरे खुल के बोलो, तो संघवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी, लेके रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, छीन के रहेंगे आजादी, आजादी आजादी, और तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने कश्मीर के बारे में इतनी बात की, 5,000-4,000 कश्मीरी पंडित भी मारे गए थे। 4,000 नहीं, 219 इज़ द ऑफिशियल फिगर। मैम, वो इसलिए सच रिपोर्ट ही नहीं किया। किसी ने मत एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, प्रोफेसर्स। यू मीन ये सब तुम्हारे अगेंस्ट है? जी, पिछले 30 सालों से। बिल्कुल। और ये सच है? हाँ जी। टेल मी हु वाज़ द ग्रेटेस्ट कश्मीरी लीडर? शेख अब्दुल्ला। इट वाज़ ललिता आदित्य। हिंदू राजा थे वो, ही रूल्ड मोस्ट ऑफ इंडिया। देखो, हम सबको लगता है कि हमें सब सच पता है, पर हमें नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 सालों से जिसे तुम सच मान रहे हो कहीं वो सच ही ना हो? कृष्णा पंडित। पंडित, नाउ आई अंडरस्टैंड, अपर क्लास प्रिविलेज पंडित का। दैट्स नॉट फेयर मैम। मैं कास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ इक्वालिटी में और जस्टिस में। अच्छा, ठीक है, तो एक बार जोर से चिल्लाओ आजादी। क्यों पंडित बीच में आ रहा है? कमान, चिल्लाओ चिल्लाओ, कमान, डोंट बी इनहिबिटेड, ऐसे चिल्लाओ आजादी। नहीं हुआ। अब कल जब खबर छपेगी तो लिखा जाएगा कि ये कृष्णा पंडित की चीख थी। अब सोचो कश्मीर में बैठे उस बच्चे के बारे में, उसकी चीख का कोई नाम नहीं है, है तो बस एक ही, इस्लामिक टेररिस्ट। तो जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कभी उसकी चीख सुन के देखो, कभी उसकी चीख बंद कर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है कश्मीर, क्या है उसका सच। आजादी।
सौसल वांगन, मुच्चतिन, नदरु यखनी, डमालू और मौंजेहा। बहुत दिनों बाद ये कश्मीरी खाना देख रहा हूँ। मैंने भी आज बहुत दिनों के बाद कश्मीरी खाना बनाया, इतना सारा मजा आया। प्लीज हेल्प मी सर। बट सॉरी, मैंने आज से पहले नाम कभी नहीं सुना। कश्मीरी खाना तो तेरी माँ शारदा बहुत कमाल का बनाती थी। उसे रिचुअल हर संडे तुम्हारे घर में डिनर फिक्स। पता है, अगर तुम्हारी माँ शारदा के हाथ का खाना नहीं होता ना, तो शायद पुष्कर से हमारी दोस्ती भी इतनी गहरी नहीं होती। क्यों ब्रह्मा? इसलिए 30 साल में किसी ने उससे बात नहीं की। लुकिंग इंटरेस्टिंग। ये क्या? नदरू। कश्मीरियों के नदरू नहीं जानते? ऐसा कहते हैं, जो नदरू नहीं जानता वो कश्मीर नहीं जान सकता। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी जेकेएलएफ ने ली है। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार आतंकवादियों की मांग के आगे घुटने टेक सकती है। वो मिनिस्टर साहब से पूछो कि अगर रुबैया की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो क्या कश्मीर लोगों को टेररिस्ट और करप्शन से बचाना उनका फर्ज नहीं है? डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? अचानक कैसे आना होगा? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि मेरे बेटे का नाम हिट लिस्ट में है। उसे हिंदुस्तान का मुखबिर करार दिया गया है। पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि हम किस किस को सिक्योरिटी देंगे। आधे से ज्यादा लोगों के खिलाफ फतवा जारी है। तुम सिक्योरिटी दिलवा सकते हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? चल बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू। आईएस लोगों के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक मिनट ड्राइवर, गाड़ी रोक। अभी के लिए ना चलो, उतर ना। ए नदर कितने से छे? 800 रुपए किलो। मतलब छे आमद कम कर। कमस गाइस ना, कम नहीं करेगा। रुक रुक रुक, मैं देता हूं। जिस दिन तू कश्मीरी बोलना सीख जाएगा ना, उस दिन देना पैसे। ने पकड़ रखे इसके अंदर 8 रुपए। क्यों चुप करान? मैं जित में से गांधी चुचू में जिना करान वापस। पाकिस्तानी नोट दे रहा है। जनाब जिस मुल्क में रहोगे वहीं की करेंसी तो मिलेगी। क्या बोला तू? कौन सा मुल्क? एक ही मुल्क है, भारत। शर्म नहीं आती अपने देश से गद्दारी करके? ए जाओ, बंद करो इसे। कर दो बंद, लेकिन कल से सब्जी तभी मिलेगी जब हमारे मुल्क का रुपया दोगे। और 26 जनवरी से मार्केट इस्लामाबाद में लगेगा। क्या बोल रहा है जनाब? बट्टे दफा मतलब कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए। जनाब जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना क्यों फेंक रहे हैं?
हम इन काफिरों को अनाज का एक दाना भी नहीं खाने देंगे। काफिरों को नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। महाराज तू एमएस मून कॉलेज आ मत, तू दीजिए अभी सर्टिफिकेट दे। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट सर। सर हमें कोई राशन नहीं बेच रहा, पंडित लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार देते हैं। सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो हमारे लिए राशन आता है ये औरतें लाइन में पहले लग के हमारा सारा राशन ले लेती है। सर हमारे लोग मर रहे हैं, सर अस्पताल में हमारा इलाज करने से मना कर रहे हैं, लोग हमारा खाना बंद कर रहे हैं। मेहरबानी करके कुछ करिए सर, अगर आप नहीं करेंगे कौन करेगा सर? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कुछ बहुत ही गड़बड़ होने जा रहा है। टीकालाल टपलू जी को बीज बाजार में मार दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद टपलू जी सबसे पॉपुलर लीडर थे। राजदान और बान इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको जेकेएलएफ के पिट्टा ने दिन दहाड़े मार दिया। इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकता है? उनका मकसद है कश्मीरी हिंदुओं की लीडरशिप को खत्म करना। जहाज मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए है डाउनटाउन में, तो उनका मानना है कि आजादी अब मिलने वाली। आप तो सब जानते हैं अंकल जी, दिखाते क्यों नहीं टीवी पर? देखो मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, और दिखाना मेरा जॉब थोड़ी ना है, उनका काम है। तो खुद को जर्नलिस्ट क्यों बोलते हो? पोस्टमैन बोलो। झूठी खबर को दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी सच्ची खबर को छुपाना है। ये क्यों नहीं बोलते कि हिम्मत नहीं है? कश्मीर में हम सब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंदा रहने से ज्यादा हिम्मत का काम है नहीं, कुछ करना था, समझे? चाय का सीएम साहब से बोलिए ना, आप तो डिविजनल कमिश्नर हैं, कोई मामूली बात नहीं है। सीएम साहब उन्हें तो गोल्फ खेलने और बॉलीवुड की हीरोइनों को मोटरसाइकिल पे घुमाने से फुर्सत मिले तब ना। प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते? यूथ लीडर है वो। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नहीं कही। क्या बोले? पीएम साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि कश्मीर की हालत बहुत खराब है, लेकिन क्या करें, सीएम साहब हमारे दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे। मतलब पूरे देश में आग लगी है लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। 1947 से है ये फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी। ये बीच किसने बोए थे? शेख साहब ने। उनके लिए कहावत बहुत मशहूर है, वो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट, और कश्मीर में कम्युनलिस्ट। ऐसे लोगों को ही सेक्युलरिस्ट बोला जाता है। दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। जनाब जज साहब को गोली मार दी। श्रीनगर हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की आज हरी सिंह मार्केट में दिन दहाड़े आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी जेकेएलएफ ने ली है। जेकेएलएफ की स्थापना मकबूल भट्ट ने की थी, जिस पर एक बैंक लूट के बैंक मैनेजर को मारने का, इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक करके ब्लास्ट करने का, और भारत के सीआईडी ऑफिसर अमरचंद की हत्या करने का आरोप था, जिसके लिए जस्टिस गंजू ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। Thank you so much. It's so beautiful. God bless you. Bye bye.
बाय। बहुत खराब है, डीजीपी सब जानते हैं। एयरफोर्स ऑफिसर का कत्ल भारत सरकार पे हमला है। कश्मीरी पंडितों को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जा रहा है। जेकेएलएफ ने खुलेआम धमकी दी है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ो। ये सब उनका ड्रामा, सब समझता हूं। सर ये ड्रामा नहीं है, इट्स अ फैक्ट। इंडियन फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं, लाल चौक पर पाकिस्तानी फ्लैग्स लहरा रहे हैं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? हम क्या करें सर, मेरी किसी भी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती। मेरा हर फैसला आपका ऑफिस रोक देता है। जेकेएलएफ को खुलेआम आपकी पार्टी हेडक्वार्टर से मदद मिलती है। आप कहीं उन लोगों की लॉबिंग करने के लिए तो यहां नहीं है? सर ये उनके लोग हमारे लोग सोच के हम सरकार चलाएंगे कि एक सिविलाइजेशन का वॉर है, भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद है, और ये जंग पाकिस्तान और भारत में बैठ के उनके हमदर्द भारत के खिलाफ चला रहे हैं, और हमारी सरकार उन्हें कामयाब होने पर मदद कर रही है। ये कश्मीर है, हम आजाद, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कल्चर है, हमारा फ्लैग है। हम वही करेंगे जो हमारे लोग चाहते हैं। एंड मिस्टर ब्रह्मदत्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिया का स्पाई बनकर यहां पर आए, इसलिए आई एम स्नैचिंग ऑल योर पास। यू आर सस्पेंडेड।
होप यू अंडरस्टैंड कि तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो. इट्स नॉट सम जूनियर पोस्ट. और ये प्रेस्टीज का सवाल है. सारी मीडिया की नजरें इसी इलेक्शन पर हैं. एंड यू हैव टू विन. यू डोंट हैव अ चॉइस. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. नो यू नॉट. यू नॉट गिविंग योर बेस्ट. तुम्हारा हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है. और ये सब नारेबाजी से इम्प्रेस मत होना. ज्यादातर स्टूडेंट्स तुम्हें अब भी शक की निगाह से देखते हैं. शक क्यों? क्योंकि हमारे वोटर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कश्मीरी मुस्लिम हैं और तुम पंडित हो. इट्स नॉट लाइक आई लाइक टू कोट दिस अगेन एंड अगेन, बट ये एक इलेक्टोरल रियलिटी है. पर मैम, हम कब तक ऐसे डिवाइडेड रहेंगे? इसका कोई सलूशन नहीं है, है ना? देयर इज अ सलूशन. पर ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम प्रॉब्लम के साथ खड़े रहना चाहते हो या सॉल्यूशन के साथ. सॉल्यूशन के. गुड. लोग भगवान में विश्वास करते हैं ना जी, इसलिए तो नहीं करते कि भगवान खुद नीचे आके उनके लिए कुछ करता है. लोग भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको ये होप है कि किसी दिन भगवान उनके लिए कुछ करेगा. एंड दिस होप, ये होप ही भगवान है. यू हैव टू बिकम देयर गॉड. मसीहा बनना है उनका. आई एम नोबडी इज गॉड मैम, फॉर गॉड सेक प्लीज. और ना ही मेरे पास कोई सलूशन है. दैट्स द बेस्ट पार्ट कृष्णा. तुम्हें सलूशन देना ही नहीं है, बस होप देनी है दैट देयर इज सम सलूशन. जो नहीं है. सो नाइस कृष्णा. अच्छा, तुम पॉलिटिक्स को है ना एक कहानी की तरह देखो, जिसमें अगर एक हीरो है तो एक विलन भी तो होना चाहिए. कौन है तुम्हारी कहानी का विलन? टेररिज्म. क्यों है टेररिज्म? बिकॉज ऑफ ऑप्रेशन. और कौन कर रहा है ऑप्रेस? स्टेट. एग्जैक्टली, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझे? देखो, टेररिज्म को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. पिन इट ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को विलन बनाओगे ना, तब तुम्हारे पास पावर आएगा, बेटर नेगोशिएट करने का पावर. दैट्स एक्सटॉर्शन मैम, नॉट नेगोशिएशन. दैट्स पॉलिटिक्स. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर. बाकी सब बकवास है. नाउ गो एंड ट्राई हार्डर. यू मस्ट विन. किया था ना कि कोई जरूरत नहीं चैरिटी काम करने की, आप सुनते क्यों नहीं हो? जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटेगा मुझे कुछ नहीं होगा. आशु, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है. भगवान ना करे किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. मेरी छोड़, अपनी बता. आजकल मुझसे सब कुछ छुपाने लगा है. मैंने क्या छुपाया? बोल साहब मिले थे, बोल रहे थे कि तेरा अखबार में फोटो छपा है. तू एएनयू में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तूने आजादी के नारे लगाए, तेरे ऊपर केस चल रहा है देशद्रोह का, क्या ये सच है? तो अब तू उनकी तरफ से लड़ रहा है जो हमारे दुश्मन है. कब तक चलेगी ये दुश्मनी? माफ भी तो कर सकते हैं. सॉरी टू चिल्ड्रन, मूव ऑन. से सॉरी एंड मूव ऑन. उनको सॉरी बोलें जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया. कम ऑन काशी, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ. प्लीज, मुझे समझ में नहीं आता कि कब तक आप लोग ये झूठा लेवल अपने माथे पर लगा घूमते रहोगे. आप लोग, तू क्या है? मैं किसी आइडेंटिटी को नहीं मानता. उस आइडेंटिटी को तो मानता है ना जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार डाला. खुद आप लोगों की गलती की वजह से मरे वो लोग. अरे, माइनॉरिटीज को तो दबा के रखोगे तो यही हुआ. माइनॉरिटी वो नहीं थे, हम हैं. 2% माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अमंग्स माइनॉरिटीज.
अपने देश में पिछले 30 साल से रिफ्यूजी बने घूम रहे हैं। वी आर नॉट रिफ्यूजीज, वी आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। अरे गाशू एक नाखून बचा है वो तो काटने दो। उनके आने से पहले हम 100% थे, उन्होंने हमको कन्वर्ट किया। 25 पुश्तों के नाम गिना सकते हैं हम कश्मीरी पंडित, वो गिना सकते हैं। उनके तो सरनेम भी हमारे हैं, कोल, पंडित, भट्ट, मट्टू, जहां शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहां शंकराचार्य ने तप किया वो कश्मीर हमारा था। जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? सब जानता हूं, बचपन से आपसे कश्मीर की हिस्ट्री की स्टोरियां सुनता रहा हूं। और आपने कभी सोचा कितना ही कमाल का इतिहास रहा आप लोगों का, तो कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को कन्वर्ट क्यों किया? आतंक से, सूफियों की तलवारों से। तू सिर्फ पढ़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंक है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं? शंकराचार्य काफी ठंड है। कमाल है, 30 साल बाद भी तुम्हें मेरी फेवरेट चीज की याद है। आई अप्रिशिएट इट। बस दैट्स इट। ओके विष्णु। अरे वाह मेरी वाली रम, मुझे लगा भूल गए होगे। अरे डॉक्टर, नो आई मस्ट अवॉइड। 30 साल बाद पहली बार मिल रहे हैं यार, एक टोकन रिंग तो बनता है। ओके आई हैव वन विद सोडा एंड बिटर। एनीथिंग फॉर यू यंग मैन? No sir, thanks. I'm good. Durga का फोन है। US से। सबको हेलो बोलना चाहिए। इनको पहचाना? Oh my God, she's grown up. Hi, Mahishankar. Where are you now? I'm in DC. Where are you now? I'm in Houston, beta. We must meet up. इनको तो पहचान लोगी आराम से। Hi, beta. Hi, how are you? हेलो कौन? टॉपी अंकल। हाँ गुड गुड। और ये है कृष्णा। तुम याद है पुष्कर अंकल, उनके पोते थे शिवा और शिवा के छोटे भाई। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? हेलो, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट पुष्कर अंकल। दैट्स ओके। आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ शिवा। ही यूज्ड टू प्ले सो मच इन द स्नो। Life was unfair to him. Can you believe this? One accident took my entire family away from him. What? Accident? Yeah, why? Can I talk to my mom, please? Yeah, sure. Mom? What? Durga,
आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई. दरअसल मौका ही नहीं मिला. मैं तुमसे कल बात करती हूँ आराम से, ठीक है? मैम, आपकी बेटी एक्सीडेंट की बात सुनकर इतना चौंक क्यों गई? जनवरी 1990 के बाद यहाँ क्या हुआ उसे नहीं पता. आपके पास मेरे पेरेंट्स की कोई फोटो है क्या? हाँ है ना. हर महाशिवरात्रि के दिन पुष्कर जी शिव बना कर कौन सी? एक्सोडस में यहां से लोग काली हाथी निकले थे. कुछ तो एक पांव में जूता और दूसरे में सिर्फ मोजा पहन के भी भागे थे. अरे स्टॉप कप्तान, स्टॉप. 5 लाख पंडित जहां मार के भगाए गए हों उसे एक्सोडस नहीं जेनोसाइड कहते हैं. सॉरी सर, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, प्लीज. अच्छा फिर क्या था? तो बोलो. मैं कहूंगा कि डर्टी पॉलिटिक्स. और फैक्ट ये है कि 5 लाख लोग नहीं, सिर्फ 2 लाख लोग निकले थे. और बदकिस्मती से जो लोग मारे गए उन्हें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मारा, ना कि कश्मीरियों ने. इसके लिए कश्मीरी क्यों भुगते? फारूक मलिक बिट्टा पाकिस्तानी टेररिस्ट है. वो तुम्हारे दादा पुष्कर का स्टूडेंट था जी. सोचिए, इन स्टूडेंट्स को टेररिस्ट किसने बनाया? जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो सताए लोग क्या करेंगे? गन्स नहीं उठाएंगे तो आरती उतारेंगे? नहीं सर, यही होगा. पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई. क्यों? था 19 जनवरी की रात को मेरे फादर का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था, ना कि मर्डर. और अगर ये सच है तो काशन ने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे से वो टूटे हुए लोग बताते नहीं, उन्हें सुना जाता है. मार दिया गया था. अगर हाँ तो मेरा भाई शिवा कहाँ है? उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, वो तो मुझसे गाशा से. आप सबको सब पता है सिवाय मेरे.
कल कि मेरी माँ को मारकर जेल में डाल दिया गया, या उसे किडनैप करके पाकिस्तान ले गए और उसने तुरंत टीचर नहीं होते और ये आपकी नौश नहीं होती तो इसी से निकाह कर लेता, एक काफिर तो बदलता। एम्बुलेंस लेकर आ जाओ, मेरे बेटे को बचा लो। जहाँ गोली लगी है तुम वहाँ पट्टी बांधो। अरे कहाँ कहाँ पट्टी बांधो, इतने तो घर में कपड़े भी नहीं है। बस एम्बुलेंस लेकर जल्दी से आ जाओ। यस यस पुष्कर, आई एम कमिंग। पलो थोड़ी सी मिस्टेक। डॉक्टर, इसे ब्लड देना है, ओ नेगेटिव। ब्लड सप्लाई हुई नहीं है बहुत दिनों से, कहीं से मंगाओ। ओ नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप है, इस कर्फ्यू में पेशेंट का निकाल लो। किसी पेशेंट का कैसे निकाल सकते हैं? सुनो, आज की रात इंडिया का कश्मीर से इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म। आज के बाद इस पाक जमीन पर बस वही रहेगा
जो अल्लाह का बंदा होगा। किसका बंदा होगा? किसका बंदा होगा? ओ क्यों चुकरान, क्या कर रहा है? कितना खून चाहिए तो मिल गए? कितना खून चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप, वो मर जाएंगे। तुम्हारे आर्मी ने मेरे भाई पे कोई गोली चलाई है तो इनको पता चलना चाहिए कि एक गोली के बदले में दो जान लेंगे हम। तो ये अल्लाह का फरमान है कि कोई भी डॉक्टर या नर्स किसी भी काफिर का इलाज नहीं करेगा। किसका इलाज नहीं करेगा? और किसका फरमान है ये? हम क्या चाहते? 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 अभी अभी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर के हालात बहुत गंभीर हैं। एक तरफ मजहबी तनाव, दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसी विडंबना है। कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं, को जहन्नुम बनाने वाले भी जिहाद इसलिए करते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। सब कुछ खत्म हो रहा है लक्ष्मी, कश्मीर भारत से धीरे धीरे छूट रहा। हेलो, रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा, सिर्फ हमें नहीं 5 लाख और कश्मीरी पंडित। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तुम कुछ नहीं करोगे ब्रह्म दत्त, तुम भी उन्हीं का हिस्सा। जब पूरा भारत इस तरह चलता हुआ कश्मीर बनेगा तब याद रखना तुम भी उसके जिम्मेदार थे। I promise you, he will get justice. क्या होती है जस्टिस? हेलो हेलो कृष्णा जी, क्या बात है? ना कोई ऑफिसर ना कोई मंत्री फोन उठा रहा है, सब छुट्टी पे गए या डर के मारे छुप गए हैं? कश्मीर जल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है। सर होम मिनिस्टर से कहिए कि जल्दी से प्लेन भेजे, नहीं तो कल शायद। जी की फैमिली की हिफाजत करने के लिए मैंने पर्सनली ऑर्डर्स दिए थे, फिर ये सब कैसे हुआ? जनाब आपके भी ऑर्डर थे और कमांडर बिट्टा के भी, आप खुद ही बताइए हम किसका ऑर्डर मानते। यू आर फायर्ड। जनाब वो लोग चले गए। प्रेमी घर लेके जा रहा हूं।
कभी है वो मुस्लिम भाइयों से बहुत भाईचारा है उनका, बहुत मदद करते हैं उनकी, और बहुत सारी फैमिली छुपी हुई है उनके। कैसे चल रहा है मेरा कश्मीर? तुम ये सब रिपोर्ट कर रहे हो ना, कर रहे हो ना ये सब रिपोर्ट? भारत में सबको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो देखना सब हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। सोरी सामान अनुष्ठी जरूरत अच्छी कोशिश करें पाचन बेन नौशर कोरन इज्जत बचाओ, उसके बाद हम वापस आएंगे। और ये जो कातिल है ना, हर कातिल को उसके जुल्म की सजा मिलेगी। और ये जो पाकिस्तान का झंडा ले रहा है ना लाल चौक पर, उसको उतार के भारत मां का झंडा ये बच्चा फिर ले आएगा। सून झंड, चून झंड, नून झंड, और कश्मीर की फिजाओं में फिर से नारा गूंजेगा, भारत माता की जय, नजमें लिखी है इन पर, वो मुझे अपने हाथ नहीं समझते, और उन पर तुम समझो बिल्कुल सारी लड़कियां, सारी लड़कियां मेरे साथ चलो, ब्रेड कैनी में चलते हैं, चलो चलो चल चल चलो। और बेटा कौन सा आधा बर्फ, आधा बर्फ, बाहर माहौल बहुत खराब, मेरी सलाह मानिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको किसी महफूज जगह ले जाएंगे। मगर कुकोत तो ही मुबरिफ गाम, खतरा टलते ही आपको वापस ले आएंगे। पापा जी मारा, आपको रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है, वलियो वही तो मुसीबत आदाश करे एक से दो अच्छे, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए कौन सा, आइए आइए आइए।
ट्रक रुक वही रुक। ए वो से ट्रक रुक से 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 मुझे तो सही और हम 10 लाख रुपए के प्रश्न पर हैं। क्या आप तैयार हैं? आप पैसा लेकर जाना चाहते हैं या पुरस्कार नहीं जीतना चाहते? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ये रहा 10 लाख का प्रश्न। करोड़पति बनने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाने और खेलने की जरूरत है? ए राजबेट, बी राजबेट, सी राजबेट और डी राजबेट। लेकिन सारे ऑप्शन तो एक समान है। यस, ये सभी सही है। आपकी बैट आपकी जीत। तो पंडितों की मनोबली टूटने लगी और उन्होंने कश्मीर से जाने का फैसला किया। विष्णुराम कश्मीर से निकलते स्टूडियो। सही कहता था पुष्कर, फेक न्यूज दिखाना इतना खतरनाक नहीं है जितना सही न्यूज छुपाना। बिल्कुल, जब न्यूज ही फेक है तो सोचो हिस्ट्री क्या होगी। एब्सोल्युटली। आपने कश्मीर का सच सबको क्यों नहीं बताया? आस्किंग सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कश्मीर का सच पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाया? कोई तरीका नहीं था। आज जैसे टीवी चैनल है सब नहीं था ऐसा, और ना ही सोशल मीडिया था। तो सबको बाबरी मस्जिद के बारे में कैसे पता है? दिल्ली कैसे हत्याकांड, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कैसे पता है? वो तो 1984 में हुए थे, आपके 99 से 6 साल पहले। अगर आप बिकने को तैयार हैं तो बाजार हमेशा खुला है। बाजार मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? खुल के कहिए ना, मुझे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। जानते हो कृष्णा, जब हम पुलिस वाले किसी हार्ड कोर क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि उस टेररिस्ट की रखेल कौन है। और जानते हो इन टेररिस्टों की रखेल कौन है? ये मीडिया।
ये मर्यादा की लाइन क्रॉस कर रहे, समझे? तुम खुलकर सुनना चाहते थे ना, तो सुनो कि आज तक कभी किसी मीडिया ने यह बताया है कि हमारी मीडिया आईएस और अलकायदा को इस्लामिस्ट टेररिस्ट बोलती है, लेकिन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोहबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जेके लैब के कश्मीरी टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं रिबेल्स बोलती है, जबकि आईएस, अलकायदा और इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोडस ऑपरेंडी, इनका क्राइम और इनका फाइनेंस एक ही है। इन सबका एक ही मकसद है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ा जाए और उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर घोषित किया जाए। और इस वॉर में उनकी इनविजिबल आर्मी है हमारी ये मीडिया। जिस दिन हम हिंदुस्तानियों को यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन इन मीडिया वालों को लोग सड़कों पर घसीट घसीट कर मारेंगे। मुझ पे उंगली उठाने से पहले आप ये बताइए, आप भी तो पावर में थे, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थे कि नहीं थे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी खड़े थे बाजार में बिकने के लिए। कहां चली गई थी आपकी करेंसी? हाउ डेयर यू, मेरी निष्ठा और करेज पर सवाल उठा रहे हो? आतंकवादियों से अकेले लड़ा हूं मैं, बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। मौत के मुंह से मैं बाहर निकल कर आया हूं, ये पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया है। मीडिया वालों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, जो चाहे वो कह लो। 19 पत्रकार मारे गए आज तक कश्मीर में, किसी ने प्रोटेक्ट किया हमें? किसी ने किया? आसिन के साहब का कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, किसे बोला आसिन के साहब? मैं आसिन के साहब किसे बोला? अरे तो मैं और किससे? नहीं, कैसे बोला तू बास्टर्ड? स्नेक इन द ग्रास। आसिन के साहब किसे बोला? सर रोके नहीं, अब रोके नहीं। 30 साल का गुबार है, कल जाने दो। गर्दन लगा दूंगा तुम्हें। आस्तीन के साथ बोला था। विष्णु, होश में आओ। फायर विष्णु। आगे। राम, खबर जाओ। ये इन्फो वॉर है। बहुत एडवांस्ड वॉर, बहुत खतरनाक वॉर है, नैरेटिव्स का वॉर है। जानते हो, जब कश्मीर में फॉरेन प्रेस आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट नेटवर्क से कांटेक्ट करता है और उन्हें अलगाववादी जगह पर ले जाया जाता है और वहां 500-500 रुपए दे के झूठी कहानियां विक्टिमहुड की सुनवाई जाती है। किसको कवच बनाया जाता है? बच्चों को, औरतों को। और उसके बाद फोटोशॉप में दर्दनाक तस्वीरें बनवाई जाती हैं, क्लिकबेट हेडलाइन, फिर एंटी इंडिया, फासिस्ट इंडिया, ऑपरेसिव इंडिया का नैरेटिव बनता है, जिसका हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है। ओवर नहीं लगता है? मानी जब मरा था तब मैं आया था यहां, मातम कहां मनाया जाता था? वहीं पर जहां पर इंटरनेशनल मीडिया वाले घूमते रहते थे। कैमरा ऑन, मातम चालू, कैमरा बंद, मातम। जो बच्चे कैमरा ऑन होने पर पत्थर फेंका करते थे, कैमरा ऑफ होते ही वो गायब हो जाते। जब तक सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाता है। इसीलिए सारी दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं की कहानी पता नहीं है। ज्यूस, यहूदियों ने क्या किया मालूम है? पूरी दुनिया को भूलने ही नहीं दिया कि उनके साथ क्या हुआ था और लगा से। ऐसा कश्मीरी पंडितों ने क्यों नहीं किया? उन्होंने अपनी दास्तान पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताई? किसी ने सुनने की भी तो कोशिश नहीं की।
राइट? पुष्कर नाथ जी, आपको कैटरैक्ट है, ऑपरेशन की जरूरत होगी, लेंस भी चेंज करेंगे। कौन सा लेंस लेंगे आप? मतलब? देखिए, जांच फ्री है पर लेंस नहीं, लेकिन डिस्काउंट पे एक सस्ता एक महंगा। सस्ते वाला लगा। पर मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, आप सस्ते वाला लगाइए। ऐसा क्यों? मेरी पेंशन से या तो मैं अपने पोते की पढ़ाई पूरी करवा सकता हूँ या आपका महंगे वाला लेंस लगा सकता हूँ। आपको डायबिटीज है, ग्लूकोमा है, ब्लाइंडनेस या पार्शियल ब्लाइंडनेस की संभावना है। अगर आंखों की रोशनी चली गई तो? चलेगा जी। पढ़ाई जरूरी है। चावल नहीं, रात को ज्यादा चावल नहीं खाते, पेट में दर्द होता। रूप जी, मेरी बात की। आप कई दिनों से एक ही वक्त का खाना खाते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जाके सोऊंगा, यहाँ रहूंगा तो ये डिस्टर्ब होगा। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। अरे मैं खराटे लेता हूँ बहुत सारे। चल, बाहर बिच्छू है। बिच्छू तेरे बूब जी से डरते हैं, मिल गया ना तो फिर देख ऐसे करके चप्पल से मार दूंगा। बूब जी, आपको दिन में ठीक से नहीं देखना आता तो रात को कैसे देखोगे? मेरे जब नए लेंस लग जाएंगे ना तो देखना तुझसे ज्यादा अच्छा दिखेगा मुझे, और फिर हम बहुत जल्द कश्मीर वापस जाएंगे सब मिलकर। मैं भी। तू भी।
गया और नींद आ रही है, तो देर होगी, सोने जा रहा मैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। आई थिंक आई वाज सेट टू यू कॉल इट टुडे। गुड नाइट। गुड नाइट लक्ष्मी। उच्च क्रिकेट विषम अनुपात जल्दी भुगतान और अंदर बाहर तीन पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबैट्स.कॉम से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। गुड नाइट। सीएम ने रिजाइन कर दिया, 20 जनवरी नए गवर्नर साहब आए, दो दिन तक कश्मीर में कोई कमेंट नहीं थी। मुझे गवर्नर साहब का नया एडवाइजर बना दिया गया, कोई माने या ना माने, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं पंडितों को कश्मीर में वापस ले आऊं। सेंटर से कोई भी एक बार भी जम्मू कैंप्स नहीं गया। मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद होम मिनिस्टर आने को तैयार। हटिए हटिए, चलिए जहां से मालूम वहां चलिए। साधु साधु। सर यहाँ के हाल बहुत बुरे हैं, बिच्छू से स्नेक बाइट से लोग मर रहे हैं, डायबिटीज, सनस्ट्रोक, हाइपरटेंशन से मैक्सिमम लोगों को पीटीएसडी है, मिसकैरेजेस, अर्ली मेनोपॉज, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब मिला के सर 5,000 से 6,000 लोग मर चुके हैं। एक ट्रेन में सर 25 से 26 लोग रह रहे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं, कैसे चलेगा और कब तक चलेगा सर? ऐसा लगता है कि इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। इट्स नेचुरल, इतनी भयानक गर्मी में मरना तो था ही। अपनी 100 पुश्तों में पहली बार कश्मीर की सर्दी से बाहर आए हैं। आए नहीं सर, भगाए गए हैं। अब आप लोग एक एक करके अपनी अर्जी गृह मंत्री जी को दे सकते हैं। जनाब सरकार जमाने के स्टेटस जिला छब्बीस सरकार में खतर तुम तक AK-47 कलाश को खटर को मिल हेत लोक मार पे तुम पे सवाल जिला छब्बीस दिवान सरान कर सरकार दिवान शे हथ रुपये यह कह हिंसा सोन परिवार पर हिंसा अच्छे भिक्षा मत लू सान हालन कौन वो सरफन मन गुनफन मन कन्न मन ननि तापिन चटन मन इन टेंडर मे दो गुजारा महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? अरे बस बस, इसके अलावा कोई और अर्जी? मुझे बोरोलिन लगाने की आदत है, इस कैंप में बोरोलिन नहीं मिलता। अरे इन्हें बोरोलिन दिलवाइए तुरंत। जी सर। एक बात और, मैंने आपके ऑफिस में 100 से भी ज्यादा चिट्ठियां भिजवाई आर्टिकल 370 हटाने के लिए, लेकिन आपके ऑफिस से एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। देखिए ये एक अलग मसला है, मैं अभी यहाँ आपकी मदद करने आया। एक ही मदद चाहिए, आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी हिंदुओं को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ,
कश्मीरी हिंदुओं को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ, मैंने सारे इंतजाम कर लिए। नालीबाग पंचायत में वो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वहाँ काफी कश्मीरी हिंदू फैमिली रहती है, एकदम सेफ है। मैंने पंचायत प्रधान से बात कर ली है, तुम लोग उन्हीं के घर में रहोगे। आप तो जानते हैं बॉब जी कितने जिद्दी हैं। जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने घर। एवरेस्ट चढ़ना हो तो एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी समझाने की। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। दो बच्चे हैं, इनके फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते, है ना? आखिर कश्मीर तो आना ही है ना। क्यों शुआ? क्या मतलब है प्राइम मिनिस्टर बिजी है? नहीं, मुझको समझ में नहीं आता है। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट नंबर दो। ठीक, कल करूंगा दोबारा फोन। नफरत प्राइम मिनिस्टर, अगर वहीं तो फोन आया तो पत्रकार को दिन तो मस्त बात कर लें। यो मस्ती को यार, पारन पे बोल दिस। हम सबकी देवी सरस्वती शारदा, तुम्हारी माँ का नाम भी शारदा है, बस उसी की उपासना करो। जब कोई नहीं होगा, हाँ बेटा, जब कोई नहीं होगा, जब सब तरफ अंधेरा होगा, तब वही तुम्हें राह दिखाएगी। ठीक है कृष्णा, तुम भी पैर छोड़ दादा जी के। ओम योन गोबुर, योन गोबुर। ए, मैं भी खेलूंगा। ए शिवा, सके वो ने अपने बहुत रावी मल्ले बल मल्ले बल मकर बला है कुछ पालन तो करत मकर। बच्चों को साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हमारे स्कूल में साइंस क्यों नहीं पढ़ाते? जी आप स्कूल की छोड़िए ना, आप तो अपनी बात कीजिए हमसे। आजकल माहौल बहुत खराब है, आप हमसे निकाह कर लीजिए, आपकी और आपके बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी। नमस्कार, मैं विष्णुराम। आज हमारे बीच मेहमान हैं फारूक मलिक बिट्टा। ये बहुत गंदा आदमी है। आपको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं कि आखिर ये फारूक मलिक बिट्टा है कौन? फ्रीडम फाइटर। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? याद नहीं, 20-25। अच्छा, सबसे पहला मर्डर आपने किसका किया था? सतीश। कौन सतीश? सतीश कुमार टिकू। कौन था? पंडित लड़का था। मतलब वो पंडित था इसलिए मारा? आरएसएस का था। अच्छा, मतलब आरएसएस का होना गुनाह है? जी। अच्छा, आपने जिन्हें मारा उनमें से काफी आपके पड़ोसी, आपके मित्र और आपके टीचर भी थे, और एयरफोर्स क्लिक में तो दो इनोसेंट औरतें भी मरी। देखिए, ये जंग की बातें हैं, आजादी की जंग में सब कुछ जाए। ये दिल्ली तक भी पहुंच गया, अब बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंच जाएगा। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते?
और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते बच्चों, ये कश्मीर है और हम सब कश्मीर है। और कश्मीर के पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, और आज हमारे स्कूल में सरपंच साहब आ रहे हैं। अगर वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें गांव में क्या चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? क्या कहोगे? बोल। क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल? मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है मेरे बच्चे को? जो स्कूल की दीवार पर लिखा था आज। क्या लिखा था स्कूल की दीवार पर? रलिफ गलिफ चलो। तेरे हिसाब से रलिफ गलिफ सलिफ का क्या मतलब है? या मुसलमान बन जा, या मर जा, या भाग जा। तू गलत। रलिफ गलिफ सलिफ का मतलब है कि ऐ डर, या तो तू मेरी शक्ति बन जा, या फिर तू मर जा, और या फिर तू भाग जा। क्या मतलब है ऐ डर? डर या तो तू शक्ति बन जा, हा? या मर जा, या भाग जा। अब मेरे साथ बोल, रलिफ गलिफ सलिफ टू। बोल, रलिफ गलिफ सलिफ टू। 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 रलिफ गलिफ कश्मीरियत वो नहीं है जो वो करते हैं, कश्मीरियत वो है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। नफरत से आजादी। आजादी अब सिर्फ एक नारा नहीं है, इट्स अ मंत्र। वो जिस आजादी की बात करते हैं उसका मतलब है भारत से आजादी। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। जैसे ओम सुनकर दिमाग में कुछ होता है, वैसे ही आजादी सुनकर अंदर का रेवोल्यूशनरी जगता है। आजादी आजादी चिल्ला रहे थे जब बच्चों को गोलियों से भून रहे थे। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन आजादी वालों के साथ कभी खड़े मत होना। आजादी इज अ सिंबल, इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर। सकल जनगण मन ऑफ इंडिया। चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। देखना, जब ये आर्टिकल 370 जाएगा ना, तो मुझको प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी आएगी। वो लिखेगा, श्री पुष्करनाथ पंडित जी, ग्रैंडफादर ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, वी हैव नोटेड ऑल योर 6000 लेटर, और हम घोषित करते हैं कि अब आप माइग्रेंट नहीं, यू कैन गो बैक टू कश्मीर। सपने पूरे नहीं होते, उनके पीछे भागना पड़ता है। अच्छा, हम ना जहाज से मत जाएंगे, हम कार से जाएंगे। मैं तुझको दिखाऊंगा मारतंड टेंपल, खीर भवानी तुला मुला, हब्बा कदल दिखाऊंगा,
रैनावारी, शंकराचार्य, करण नगर में उन माता मालोस 84 करण नगर। अरुणा, तू मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करना। मेरी अस्थियां कश्मीर में मेरे घर में बिखेर देना और मेरे फोन में मेरे चार दोस्तों के नंबर हैं, उनको भी साथ लेके जाना। अरे वो मेन कमर है ना, उसकी खिड़की ना बर्फ गिरने से सड़ जाती है, वो ठीक कराना। और मेरा बजाज तत् करने से पेंट, इंजन चूस लो मगर पेंट करने से तक चू 8,000 किलोमीटर ही चला है बस। और तेरा तेरे स्कूल सर्टिफिकेट डाउट मकर सॉरी के गेस्टी शीना प्यातो बाया ये तो इम्पॉसिबल टेक्स टाइम बट You must always keep hope. Gulshan vatan chusu nui, bulbul vanan chusu. कल रात को मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो उनकी अस्थियां लेकर कश्मीर जाना है। काफी दुख हुआ सुनकर कृष्णा। वेरी सॉरी कृष्णा, मुझे कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, पर आई एम श्योर ही वाज अ गुड मैन। मैम उन्हें डिमेंशिया था। जिस आर्टिकल 370 के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे, चमट गया तो उन्हें पता भी नहीं चला। And what about his speech? अरे but his grandfather just died. Professor Arvind Sound route पर सारी तैयारी हो गई है उसकी speech. और सारे मीडिया वाले को भी सारी जानकारी दे दी गई, उसका क्या करेंगे?
मैं सैटरडे तक वापस आ जाऊंगा। कृष्णा, ये इलेक्शन हम लोग कश्मीर पे लड़ रहे हैं, इसलिए टक्कर कांटे की है, पर हम हारेंगे नहीं। हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है कश्मीर को जिंदा रखने में, अब हम हार नहीं सकते। इनफैक्ट अभी कुछ डेमोंस्ट्रेट करने का वक्त आया है। तुम कश्मीर पहुंचो और अपने फोन पर रिकॉर्ड करो दैट हाउ कश्मीर इज अंडर अटैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ इंडिया। 18 महीने से वहां पर इंटरनेट बंद है, ये सब रिकॉर्ड करो। मैम, ये लोग सब कुछ पहले से जानते ही हैं। नहीं नहीं कृष्णा, लोग अखबार सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं, और टीवी न्यूज सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। पर जब लोग तुम्हारी आंखों से कश्मीर की ट्रेजेडी देखेंगे ना, तब उस पे यकीन करेंगे। मैम, ये छोटा सा कॉलेज का इलेक्शन है, इसके लिए नो कृष्णा, ये हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारी नैरेटिव का इलेक्शन है, एंड वी विल नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। हैंग ऑन मैम, हैंग ऑन प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं अपने दादाजी के सपने पूरे करूं या आपके साथ कश्मीर की लड़ाई लड़ूं। I don't know, कौन प्रोसिक्यूटर है, कौन विक्टिम है। I don't know what is justice, ma'am. I don't know anything. I'm sorry. Just sit. देखो, जैसे हर सिस्टम में एक हायरार्की होती है ना, जैसे हमारे कॉलेज में है वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्लेरिकल स्टाफ, वैसे ही जुल्म की भी एक हायरार्की होती है। इस दुनिया में हर आदमी पर कोई ना कोई जुल्म हुआ है। अब किसी के पास आवाज है और उसे सुनने वाले लोग हैं, जिसके पास आवाज नहीं उसके पास सपोर्ट है, जिसके पास सपोर्ट नहीं उसके पास पैसा है, कुछ लोगों के साथ गवर्नमेंट है, जैसे पंडितों के साथ ये करंट गवर्नमेंट, कुछ ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, वो बस एक नंबर है, जैसे कश्मीरी यूथ। उनकी आवाज सुनो, उनकी आवाज बनो। और ये सिर्फ जस्टिस नहीं है कृष्णा, यही है असली ह्यूमनिज्म। इनफैक्ट आई विल शेयर अ कॉन्टैक्ट विद यू। इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट यू कैन रीच। एक बार इनसे मिल लो, सारा इकोसिस्टम तुम्हारी सपोर्ट में आ जाएगा। मैम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप इतने डीप कॉन्टैक्ट हैं कश्मीर। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। ये देखा,
सत्यग में अपराधा शिव शिव शंभो ओम महादेव शंभो ओम नमः शिवाय। I'm sorry for everything, my friend. It will have failed you. मैं क्या बोलूं? बट्टे, देख तुमने घर आ गया। मैंने कहा था ना, एक दिन दूसरा नहीं होगा। कशीर मुद्दे चुप जानू सा बना लो वीडियो। तो पता है वो कौन सा जानवर है जिसे गीदड़ कव्वे सब जानवर मिलके खाना चाहते हैं? ये हमारा कश्मीर, इसे सब नोच खाना चाहते हैं। तुम में और मुझ में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है, बड़ा फर्क एटम बम का जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे मीडिया ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम टेररिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं। क्या मैं तुम्हें टेररिस्ट लगता हूँ? क्या मैं तुम्हें कहीं से रेपिस्ट लगता हूँ? जिसकी मासूम आंखों में देखो, क्या ये तुम्हें कहीं से टेररिस्ट लगता है? तुम्हारे पास इंटरनेट है, हमारे पास नहीं। तुम्हारे पास 4G नेटवर्क नहीं है और हमारे पास नहीं। आखिर क्या कसूर है हमारा? कहते हैं कि हमने पंडितों को मारा। बकवास है ये सब, झूठ है। अरे पंडित तो हमारे पड़ोसी थे, उनका बेटा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने तो अपना दोस्त खोया है। पता है जाते वक्त मेरे अपो ने उनकी बहुत मदद की थी, और बदले में क्या मिला? मार दिया मेरे अब्बू को आर्मी वालों ने। लेकिन मुझे कोई गिला नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं आज भी अपने उस दोस्त को बहुत याद करता हूँ। शिवा, शिवा पंडित था नाम उसका। और आपका नाम क्या? अब्दुल। प्रेसिडेंट साहब आ गए? जी जनाब। कौन रहते हैं यहाँ पर और मुझे यहाँ क्यों बुलाए गए? हाउ डू यू डू प्रेसिडेंट साहब? प्रोफेसर राधिका मेनन ने बताया था कि तुम्हारा नाम कृष्णा है, तुम दिखते अर्जुन जैसे हो। Say hello to Krishna. Say hello to Krishna. Hello, Krishna. Near God's Martinez. घबराओ मत, तुम बिल्कुल सेफ जगह पर आए हो। तुमने मेरे बारे में जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, सब झूठ है। सच यह है कि यह सब राह की कॉन्स्पिरेसी है। गांधी की तरह हमने तहरीक भी हमें नहीं चलाया है। तो
रलीम गलीम शलीम, ये नारे तो आपने लगाए थे। अष्ट बनावन पाकिस्तान, बट्टे रस्ते बटनिस्तान, कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर, ये नोटिस किसने लगवाए? भाईजान, ये सब झूठ है। 1000 से ज्यादा फैमिलीज को मारा गया, किसके आदेश पर? आपके। और उसमें फैमिली मेरी भी थी। तुमने उनकी साइड सुनी है, अब तुम हमारी साइड सुनो। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिलके, तुम्हारे तुम्हारे मेजबान ब्रह्मदत्त से मिलके। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो खुद डर के भागे। अगर कश्मीरी पंडित खुद से भागे थे तो वो खुद से वापस भी आना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हो? 10,000 से ज्यादा पंडित आज भी कश्मीर में है। 10,000 या सिर्फ 800? और सिर्फ पंडित नहीं, सिख भी प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि यहाँ हम नफरत की कॉलोनियां नहीं बनने देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते औरों की तरह? क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी तरह स्टेट के टूलस नहीं है। मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कृष्ण। जब बर्तानिया का एम्पायर यहाँ पर रूल करता था, तब उनकी एक पॉलिसी थी, उन्होंने कांग्रेस का नाम रखा था परेशर कुकर। परेशर कुकर क्यों रखा था? क्योंकि एक तरफ राजगुरु, अशफाकुल्ला, आजाद, भगत सिंह, ये आर्मर्ड स्ट्रगल से इंडिया को आजाद कराना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस का नाम था परेशर कुकर, ताकि जो सियासती सरगर्मियां हैं उनको भी एक पॉलिटिकल स्पेस मिले। और इसीलिए गांधी की नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई। तुम जानते हो आज ये प्रेशर कुकर कौन है? हम। लेकिन तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को टॉलरेट नहीं कर सकते। सारे मसलों का एक ही हल है, मोहब्बत। तुम्हारे दो वजीर आजम थे, नेहरू और अटल बिहारी। उन्हें सिर्फ एक ही बात की भूख थी कि लोग उनसे मोहब्बत। लेकिन तुम्हारे जो मौजूदा वजीर आजम है, उन्हें किस बात की भूख है? उन्हें इस बात की भूख है कि लोग उनसे डरें। कश्मीर को छोड़ दो, तुम्हारे अपने मुल्क में इंडिया में देख लो, आज वहां का आर्टिस्ट, वहां का थिंकर, वहां के स्टूडेंट, वहां के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वहां के मुसलमान, वहां के क्रिश्चियन, दलित सब डरे हुए, सहमे हुए, सब खौफ में जी रहे हैं। और तुम्हारे आका इस बात से खुश हैं कि लोग हमसे डरते हैं। तुम पर भी तो देशद्रोह का केस चल रहा है। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा कृष्ण, क्या तुम वाकई में देशद्रोही हो? सोचो कृष्ण, सोचो। और अगर तुम ये सोचोगे तो तुम्हें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि हम टेररिस्ट हैं या फ्रीडम फाइटर। तुम और हम एक हैं कृष्णा, हमारा मकसद एक है, आजादी, जुल्म से आजादी। काम अभी हो। और मैं बहुत खुश हूं कृष्ण, एक पंडित होने के बावजूद तुमने अनाल हक का साथ दिया। शुक्रिया।
कृष्णा, वैसे मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को किसने मारा। लोगों ने तुम्हें बताया होगा कि उन्हें मैंने मारा, पर ये झूठ है। वो मेरे टीचर थे, मैं उनका स्टूडेंट था। शारदा मेरी बहन जैसी थी। पर यही इन लोगों की पॉलिसी है, वार पॉलिसी। खुद सारे जुल्म करो, खुद मर्डर करो, खुद रेप करो और इल्जाम हम पर डाल दो ताकि कश्मीर पर इनकी ये इलीगल हुकूमत बनी रहे। वो कौन? भाई जिन्होंने तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को मारा, फौज, इंडियन फौज। कृष्णा, किससे मिलने गए थे? सम फ्रेंड्स। किसके फ्रेंड्स? भारत के दुश्मनों के फ्रेंड्स या तुम्हारे मां बाप के कातिलों के फ्रेंड्स? ये सब सच पता चल चुका है। जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को किसने मारा? तो क्यों गाशा मुझसे हमेशा सच छुपाते रहे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहे? झूठ जी, आप लोगों ने एक झूठी दुनिया बनाई है ताकि कश्मीर में प्लेबिसाइट ना हो सके और कश्मीर पर इलीगली रूल किया जा सके। आप और आपके सिस्टम ने ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मारा है बल्कि कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी कत्ल किया है। आप लोग मर्डरर हैं सर, मर्डरर। ये सच उन लोगों ने तुम्हें बताया? जी। और तुमने उसे मान लिया? मानूं क्यों? क्योंकि तुम ब्रेन वॉश्ड हो, मिसगाइडेड हो, एक कायर हो, कायर। और कायर लोग सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाते। प्लीज डोंट डिसाइड, डोंट स्टॉप। कभी गोली घुसते देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाते नहीं, उसकी सांस रुक जाती। कभी किसी को जलते हुए देखा है? उसके बदन से लाल खून नहीं पस निकलता है, पस सफेद पस। चारों तरफ एक खूब सन्नाटा और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए आजादी 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 आजादी। और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए जश्न मनाते हुए कुछ जल्लाद ऐसा खौफ देखा है तुमने? नहीं देखा। हमने देखा। इसीलिए तुम्हें सच और झूठ का फर्क नहीं मालूम, इसीलिए तुम्हें आजादी के नारे लगाते हुए शर्म नहीं आती, इसीलिए तुम जैसे गद्दारों के कारण कश्मीरी पंडित को अभी तक जस्टिस नहीं मिली।
सच जानना चाहते हो, अरे मत, ये देखो इसके अंदर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई का सच है जो तुम और तुम्हारे दोस्तों ने दुनिया से छुपाया। जस्टिस खेल एक होप का है, इसलिए वो तुम्हें होपलेस बनाना चाहता है, तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें मार के। जब तक एक भी कश्मीरी पंडित का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़केगा, कश्मीर वापस जाने के लिए धड़केगा, वो लोग जीत नहीं सकते। और ये होप का खेल तुम्हें जीतना है, और यही जीत है असली जस्टिस। जो गायब भी है हाजिर।
जो मंजर भी है नाजिर भी उठेगा अनल हक का नारा। कश्मीर में इंटरनेट बंद है, बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। कश्मीर इज अंडर अटैक। अब हम देखेंगे कि किस तरह वहां पर माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है। और ये सरकार है जो कह रही है सब चंगा सी, पर ये झूठ अब और नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे, आज की रात ही देखेंगे कश्मीर की सच्ची कहानी, और वो सच कि जिसका वादा है वो हमें दिखाने जा रहे हैं वो। So let's give it up for our presidential candidate, Krishna Pandit. My God, what an applause. Krishna, अब पूरी दुनिया को इंतजार है कि क्या है कश्मीर का सच। एंड नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। बताओ हमें कि तुमने कश्मीर में क्या देखा। आजादी, आजादी, आजादी। मैंने देखा एक खुला आसमान, उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है, और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप, और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। गुड ओपनिंग, वेरी इंक्लूसिव। फिर मैंने देखा शंकराचार्य केरला से पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे। केरला से कश्मीर जी, उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। और उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पे वो जो रिसर्च कर रहे थे वो सिर्फ जन्नत में संभव थी, यानी कश्मीर में। जैसे हमारे यहाँ से बेस्ट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ द माइंड्स कश्मीर पहुंचे और अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के पंडित बन गए। पंडित लाइक पीएचडी। मैंने देखा
अभिनव गुप्त और उत्पल देव फिलोसफी पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग आक्षी एस्ट्रोनॉमी पर। He was the first astronomer in the world. चरक और वाग भट आयुर्वेद पर, सुश्रुत मेडिकल साइंस, पाणिनि ग्रामर, वटेश्वर ट्रिगोनोमेट्री, स्वीया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, चैन भट लॉ, कालिदास और रुद्रट संस्कृत लिटरेचर, भामा एस्थेटिक्स, शारंगदेव म्यूजिकोलॉजी, वसुगुप्त और सोमानंद अद्वैत, कलहन हिस्ट्री, विष्णु शर्मा मॉरल साइंस, पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को, मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को। ये जो हम फिल्में, टीवी, थिएटर, वेब सीरीज, यानी जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, ड्रामा, इस ड्रामा की साइंस यानी नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा धीरे धीरे इन हजारों लाखों पंडितों ने कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। कश्मीर बिकेम द सील ऑफ क्वालिटी। इसीलिए ग्रीक्स ने कहा था, कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कश्मीर फर्स्ट मिलेनियल की सिलिकॉन वैली थी। ये सब माइथोलॉजी, इट्स ऑल अ लाइ। बिंगो। डोंट वरी, आई थिंक दिस इज ऑल अ बिल्ट अप। ये झूठ है, और मुझे भी लगता है, क्योंकि हमें तो किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक में ये सब नहीं पढ़ाया गया। क्यों मैम, ये झूठ है ना, तभी तो नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों है, नागसेन और रवि गुप्त क्यों है? वो इसलिए आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज। ये इन्फो वॉर, नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते। उन्होंने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, अब जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों के, आई मीन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? तो फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला, तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और ये लोग वो थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे, और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। रबिश नहीं, बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी की बायोग्राफी तौहफतुल अहबाब में। जान तो इराकी कौन था? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता? कैसे पता होगा, किसी ने पढ़ा है? हम सब हिटलर के बारे में जरूर जानते हैं, इराकी हिटलर से कई हजार गुना ऊंचा एक इस्लामिक टायरेंट था, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बुतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को नष्ट नाबूद कर देना, पंडितों के इनोवेशंस को खत्म कर देना। मुझे अभी भी किसी ने बोला, कमान डूड, नाजी हर रोज 1000 जूस को मारते, तो मैंने तो नहीं सुना कभी कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब सुनो, इराकी और उसके पीएम मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमसिशन कराया जाता, और उनके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाला जाता। और ये काम करते थे उनके सैनिक, जिन्हें हम सूफी और दरवेश के नाम से जानते हैं। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया, और इराकी ने कहरान और जबरान का, यानी फोर्स एंड कंपल्शन। इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया है? खुद इराकी के बेटे ने। And if you want the original manuscript, it is available in Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under extension number 551. Must read. कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठ ही लगता है।
इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, इस सेक्युलर इंडिया में उन्हें एक बार फिर तलवारों और बंदूकों के जोर पर मार काट के निकाला गया। रेलो गलत चले। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? रलीव मतलब कन्वो, सलीव मतलब रन, कलीव मतलब डाय। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। ये उनका 7th एक्सोडस था और इस बार मामूली एक्सोडस नहीं था, इस बार था जेनोसाइड। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन लोगों का एक बार फिर जेनोसाइड हुआ जो ना इराकी ने किया, ना टेररिस्ट ने किया और ना स्टेट ने। जो किया हमने और आपने, 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 आप सबने, जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। और ये सारी है जेनोसाइड, ये सब झूठ है। There was no real genocide. We don't want your fake propaganda. Listen, कृष्णा, जो तुमने देखा वो बताओ, ज्ञान मत पेलो। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो। Now he'll prove his own hypothesis wrong. I don't bet on ordinary horses. अरे जिस नॉलेज के लिए कश्मीर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता था, कभी हमने उसे नेशनल हेरिटेज की तरह समझा ही नहीं। और आज ये भारत का नॉलेज सेंटर एक्सटेंड होता जा रहा है, हमें उसकी खबर भी नहीं। से शेम शेम शेम। हमने मरने वाले को क्यों बांट दिया? क्यों मरने वाले सिर्फ कश्मीरी थे, ना कि भारतीय? 1990 में सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा गया, बल्कि तमाम मॉडरेट मुस्लिमों को भी मार दिया। यही नहीं, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, डोगरा, गुज्जर, दलित, जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें मार दिया गया। यहां तक कि अरे यार कश्मीर की सोल तक को मार दिया गया। थिएटर, म्यूजिक, लिटरेचर सब बंद कर दिए गए। 1996 में सिनेमा हॉल खुला तो वहां गोलियां चला दी, पीपल डाइड, कितने टेम्पल्स को तोड़ा गया, उनको आग लगाई गई। क्या वो सिर्फ टेम्पल्स थे? क्या वो सिर्फ बुद्धों का घर थे? क्या वो भारत का फाइनेस्ट आर्किटेक्चर नहीं थे? क्या वो भारत के महान इतिहास का प्रतीक नहीं थे? क्या वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर नहीं थे? इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन हेरिटेज सेंटर, इंडियन स्पिरिचुअल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर देना क्या कल्चरल जेनोसाइड नहीं है? स्टॉप दिस रिटोरिक, टॉक फैक्ट्स और शट अप। बोलने दो उसे, मैं सुनना चाहता हूं। मैं भी। बोलो कृष्णा। बोलो कृष्णा। बिट्टा ने ओपनली टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उसने 20 मासूम लोगों को मार डाला। जिसने दिन दहाड़े एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार डाला उसे इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिस में इनवाइट किया जाता है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड नहीं है? आज जब ये फंक्शन खत्म होगा तो आप लोग कहां जाएंगे? आपके घर? और हमें हमारे घर जाने से किसका बाप नहीं रोक सकता। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? मैं तो एक स्टूडेंट हूं, सो कॉल्ड भारत का यूथ, द फ्यूचर। मैं दुनिया के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस राष्ट्र में राइट टू जस्टिस नहीं वो राष्ट्र कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। राधिका, प्रोफेसर राधिका मेनन, आपने एक बार मुझसे कहा था कि हर कहानी में एक विलन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उससे बुरा विलन कोई नहीं।
जो एक बच्चे से उसकी माँ को छीन ली। कहा जाता है कि जिस जमीन से आपकी जड़ें जुड़ी होती है ना, वो जमीन आपकी माँ होती है। वहां है कश्मीर मेरी माँ। मेरी माँ का नाम शारदा था, ये उसकी कहानी है। मेरे भाई का नाम शिव था, ये उसकी कहानी है। तो ये कहानी सिर्फ मेरी मां की नहीं है, आप सबकी भी मां की है। तो आइए हम वो देखते हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और आप खुद तय करें कि कौन है गुनहगार, किसे मिलनी चाहिए सजा। और अंत में अपने दिल पर हाथ रखकर तय करें कि आप कैसे करेंगे इसका प्रायश्चित, और क्या है आपका ह्यूमैनिज्म। क्या है वो अनल हक, क्या है वो लोहे अजल, इस दिन का वादा था हम सब देखेंगे। अब हम सब देखेंगे। इंडियन आर्मी। जी जनाब। हमें यह खबर मिली है कि पंडितों पर आतंकवादियों का हमला होने वाला है। गांव में जितने भी पंडित हैं, उनकी एक लिस्ट दे दो और गार्ड नंबर। जी। अब आप ध्यान से सुनिए, आप सब लोग गांव के बाहर जाएं। जी जनाब। अब यह थाना हमारे अंडर है, सारे हथियार उठाना। इंडियन आर्मी, सारे पंडित अपने अपने घरों से बाहर आए। हम इंडियन आर्मी हैं, हम इंडियन आर्मी हैं। जी, सिक्योरिटी वाले हैं, लगता है ब्रह्मा अंकल ने भेजा है। मैं देखती हूँ। हम आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं, आपकी हिफाजत करने आए हैं। प्लीज प्लीज जल्दी करिए, हम आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं। सारे पंडित अपने अपने घरों से बाहर आए। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाइए, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाइए। हम लोग आपके हिफाजत के लिए आए हैं। किम सुन ख्याल कर कोई बात नहीं, माफी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं, आपको स्वागत करने आए हैं। भाई इनका घोड़ा बनाइए, आप सब पीछे पीछे घोड़ा बनाइए, सब पीछे पीछे घोड़ा बनाइए। यहां से सुनिए, आप सिर्फ यहाँ कश्मीरी पंडित रहेंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। सिर्फ कश्मीरी पंडित रहेंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं है। आज यहाँ जो भी होगा उसकी दास्तान दुनिया को बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पंडित जी, आज यहाँ जो आप देखेंगे वो आप इंडिया में जाके बताना। Hey!
साले पट्टे। कृष्णा इधर ही रुको, मैं आता हूँ। हाँ इधर ही रुको, ये चावल से खेल दो आप, मैं इधर ही रुको। भूप जी, शिवा नेर डाली थी, शिवा डाली थी, शिवा शिवा नेर डाल, मम्मी शिवा नेर डाली थी, शिवा 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 नेर डाली थी, चल 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 शिवा शिवा मम्मी मम्मी शिवा। उस दिन तेरे शौहर के खून से भीगे हुए तमल खिलाए थे तुझे, आज बेटे के खिलाओ। माँ पटनी पटनी दो दिए मस, ये कह कौर्थम दिल जिक रस। आज इनको इतनी दहशत दिखाएंगे कि दोबारा कोई भी काफिर कश्मीर की पाक जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। मौलवी साहब बताइए, एक काफिर के साथ क्या सुलूक करना चाहिए बताइए। देखा नहीं जा रहा, वो देखो जो कभी देखा नहीं है। Peace.